नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया भोरियार। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट को आज शाम होने वाली मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है, जिसके बाद वह आज शाम मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। करीबी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि अजय भट्ट को मंत्री पद की शपथ के लिए पीएमओ से फोन आ चुका है और इस वक्त वह दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक सांसद अजय भट्ट ने आज सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चले गए। आपको बता दें कि अगले साल उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए भाजपा उत्तराखंड के चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे रही है। आपको बता दें कि अजय भट्ट सांसद बनने के बाद से अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं और गरीब और मजदूर जनता की समस्याओं को लगातार सुनते रहते हैं। उन्होंने जमीन से जुड़े मुद्दे सांसद के पटल में भी रखे हैं। सांसद अजय भट्ट के मंत्री बनने की खबर के बाद से उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता में खुशी की लहर है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।